Hi, welcome back to my YouTube channel. So let's see one more puzzle. 3x3 magic square. It means 1 से लेके 9 तक नंबर यूज करके हमें क्या करना है, हर एक रो में 15 या हर एक कॉलम में 15 सम होनी चाहिए. इवन डायगोनल की सम करें तो भी 15 मिलना चाहिए. सो उसी को बोलेंगे मैजिक स्क्वेयर. सो लेट्स सी, सॉल्यूशन के लिए एक पर्टिकुलर मेथड है, पर्टिकुलर पैटर्न है. सो लेट्स सी, केयरफुली देख लीजिए. टॉप वाला रो देखिए, उसके मिडल में लिखेंगे 1. देन हमें क्या करना है, अप वन राइट वन होना है. ठीक है, अप वन मीन्स ऊपर जाना है, देन राइट वन. सो ऊपर कुछ नहीं है तो नीचे से आ जाते हैं लाइक दिस राइट वन. ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे 2. देन सेम पैटर्न, अप वन राइट वन. सो इधर स्क्वेयर नहीं है सो लेफ्ट साइड से आ जाते हैं. सो यहाँ पे लिखेंगे 3. देन अप वन राइट वन. अब देखिए इन दिस केस ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है सो रिवर्स आ जाते हैं थ्री पे, ओरिजिनल पोजिशन पे, देन डाउन वन हो जाएगा लाइक दिस. सो यहाँ पे आ जाएगा 4. फिर से अप वन राइट वन, सो यहाँ पे आते हैं 5. देन अप वन राइट वन, यहाँ पे आ जाएगा 6. देन अप वन, अब देखिए ऊपर नहीं है तो नीचे से आते हैं, अप वन राइट वन. सो राइट वन इधर से नहीं है तो लेफ्ट साइड से 4 आ रहा है. सो ऑलरेडी 4 प्रेजेंट है सो ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाएंगे 6 पे. देन डाउन वन, इट मीन 6 के नीचे लिखेंगे 7. देन अप वन, अब देखिए अप वन होके राइट वन चलेंगे सो इधर स्क्वेयर नहीं है तो लेफ्ट साइड से आते हैं सो यहाँ पे लिखेंगे 8. देन एक ही स्क्वेयर बचा है सो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 9. इन दिस वे कंप्लीट हो गया अपना 3x3 मैजिक स्क्वेयर. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. देन क्रॉस चेक कर लेते हैं, 8 प्लस 1 प्लस 6 15, 7 प्लस 3 10 प्लस 5 15, 4 प्लस 9 प्लस 2 15. डायगोनल देख लीजिए, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15. देन कॉलम वाइज देख लीजिए, 6 7 2 15, 5 1 9 15, 8 3 4 15. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अगर अच्छा लगा है, समझ में आया तो लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. आज के लिए इतना है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग.